देवर शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। काफी समय से हम वेट शेवर्स कम्युनिटी को इंतजार था कि द बटरफ्लाई गार्डन्स की ओर से कोई नया शेविंग सोप लॉन्च किया जाए, तो राम्या मैडम ने हम सभी की इच्छा को पूरा किया और एक नया शेविंग सोप लॉन्च किया है हाल ही में। तो जल्दी से मैं उसके आपको दर्शन करा देता हूं और इस शेविंग सोप का नाम है लेमोनेला। लाइमोनेला तो लाइम वर्ड से, एक चीज तो पक्का है कि इसमें जो स्मेल होगी वो काफी कुछ लाइम एंड लेमन जैसी होगी। एंड यू कैन सी द बटरफ्लाई गार्डन और इट हैज एसेंशियल ऑयल्स ऑफ काफिन लाइम, इटालियन लाइम एंड मेचेंग। तो जल्दी से पहले शो सोप के दर्शन करा दूं आपको। तो कुछ इस तरह का सोप है ये। सो यस, डेंट इसमें पड़ रहा है मगर काफी प्रेशर देके, सो मेरे ख्याल में शायद ठंड भी है इसलिए इसमें डेंट थोड़ा सा। तो इस तो मैं काफी कुछ हार्ड सोप ही कहूंगा, नॉट दैट हार्ड बट यस इट्स हार्ड। अब स्मेल की बात की जाए तो ये सोप मेरे को ज्यादा मजा आता अगर समर में मिलता, मगर हम सुधरेंगे नहीं, हम विंटर में भी इसको उसी तरह से एंजॉय करेंगे। मगर ये जो स्मेल है काफी कुछ मुझको अप्रैल मई जून वाले महीने की तरफ ले जाती है और एक शीतलता प्रदान हो रही है इसमें, काफी कुछ लेमन की स्मेल आ रही है विद अ हिंट ऑफ सिट्रोनेला आल्सो। यस, तो यस, बहुत ही मदहोश कर देने वाली लेमनी और हल्की सी तेज स्मेल मेरे को लग रही है और कहीं ना कहीं इसमें जो है सिट्रोनेला की भी एक स्मेल का हिंट आ रहा है। तो लेट्स सी, आज इसको यूज करके देखते हैं। बेस के बारे में तो कहने ही क्या, पहले के जो पुराने सोप हैं बटरफ्लाई गार्डन्स के उन्होंने अभी तक हमारा दिल जीता है। स्पेशली उसमें से अब तक का मेरा फेवरेट जो है लेवेंडर, और उसमें खालिस लेवेंडर की जो स्मेल आती है वो मेरा फेवरेट है। उसी तरह से स्कल्स एंड रोजेस और भी ना जा रही क्या क्या। तो थैंक यू रम्या मैडम फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस न्यू सोप, और आने वाले टाइम में भी आप नए नए इस तरह के प्रयोग करते रहेंगे और हम वेजिटेबल्स का मन लुभाते रहेंगे। और इसी का जो है इसको मैं बाद में बताऊंगा, आफ्टर शेव जेल। तो इसकी जो कलर अगर आप देखोगे तो व्हाइटिश है, तो इसके बारे में जरा बाद में डिस्कस करते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज मोहले R41 और इसमें मैं लोड करूंगा वन ऑफ माय फेवरेट प्लेट्स बिक, तो बिक क्रोम प्लैटिनम। तो जल्दी से हम इसको पहले लोड करते हैं। You can see no issues related to alignment, a very slight overhang and fit and finish awal dar degi. To mere R41 loaded with big chrome platinum aur is plate ka pehla istemal hoga. Trigonon synthetic brush jisko halka sa maine aaj lukewarm water mein already duba ke rakha hai. तो इससे पहले कि मैं लादा क्रिएट करूं, मैं जरा इसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट्स के बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगा। सो इट हैज स्टीरिक एसिड, कोकम बटर, इलिप बटर, इलिपे बटर, आमंड ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, फ्रेंच ग्रीन क्ले, कॉर्न सिल्क, ग्लिसरीन, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, डिस्टिल वाटर, सिट्रिक एसिड, सॉर्बिटॉल, वे वाटर, रोग योगर्ट, फ्रेग्रेंस एंड मैंथल। तो मैंथल है तो आई कैन इमेजिन कि हल्का सा हिंट, थोड़ा ठंडा ठंडा मेरे को ठंडा ठंडक का एहसास ये सोप जरूर देगा। सो इस तरह से 30-40 स्वॉल्स काफी रहेंगे मेरे हिसाब से इस सोप को लिफ्ट करने के लिए। बेहतरीन खुशबू एज यूजुअल। आई थिंक दैट्स एनफ, लेट्स क्रिएट द लादर।
तो इसमें जो एसेंशियल ऑयल्स यूज किए गए हैं वो है काफिर लाइम, इटालियन लाइम और मेचेंग। तो दोस्तों काफिर लाइम एक तरह का साउथ ईस्ट एशियन ओरिजिन का एक ट्री होता है जिसमें लेमन के जैसे फ्रूट होते हैं और उसकी जो सरफेस होती है वो लेमन की तरह ना होके थोड़ी सी उबड़ खाबड़ होती है। तो उसमें से ये उस फ्रूट से ये एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेचेंग के बारे में मैंने पहली बार सुना है, तो जब मैंने इसको विकिपीडिया में इसके बारे में पढ़ा तो इसमें पाया कि ये साउथ चाइना का एक ये श्रब है, छोटा पेड़ है, एक श्रब जैसा प्लांट है और उसकी जो इसको माउंटेन पेपर भी बोलते हैं और इसके फ्रूट से ये लेमनी फ्लेवर और सुगंध वाला जो है ऑयल निकाला जाता है। वैसे तो लीव्स से भी मिलता है मगर लीव्स के जो ऑयल निकलता है उसकी क्वालिटी उस तरह की नहीं होती जो इसके फ्रूट से होती है। तो इन सभी का एमलगम, इन सभी ऑयल्स और इटालियन लाइम भी है इसमें। इतने लाइम के बारे में तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था पहले। तो डेफिनेटली मेरे को वो कूलनेस का एहसास हो रहा है अभी। तो समर्स के लिए नो डाउट ये फ्रेग्रेंस और ये सोप ज्यादा बेहतरीन रहेगा, बट हम लोगों को कोई नया सोप कभी भी किसी भी मौसम में मिल जाए यूज करने से हम बाज नहीं आते। तो 600 रुपए का ये मेरे को सोप जो है इसका प्राइस जो है 600 रुपए का है। आज की जो मेरी बियर्ड है वो 3 दिन पुरानी है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पास। टुडे आई एम गोइंग टू यूज म्यूले R41, वन ऑफ माय फेवरेट्स ओपन कॉम्ब रेजर्स एंड इट इज लोडेड विद बिग क्रोम प्लेटिनम ब्लेड। शानदार स्लिकनेस एज यूजुअल। दोस्तों नए साल को आप नए साल क्या बोल रहा हूं, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपके परिवार वालों को,
तो अच्छी खासी ठंडक का एहसास हो रहा है इस समय मेरे को, जबरदस्त स्लिकनेस। तो जो लादर है सोप का एज यूजुअल, क्रीमिश बिल्कुल नहीं है, योगर्टी लादर है ये, थिक पेस्टी, और आई शुड से योगर्टी लादर। फार 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 बेटर देन द शेविंग क्रीम्स लादर। दोस्तों ये जो इस तरह का जो लादर होता है, आप खुद ही देखो मेरी उंगली बिल्कुल फिसल रही है अभी इस पे। ये आप शेविंग क्रीम से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, और ये वो लादर होता है जो आपके रेजर को एक बेहतरीन ग्लाइड प्रदान करता है, एंड इट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस। As it makes your shaving altogether a different experience, and it makes your shaving very easy. सुपर स्मूथ, अल्ट्रा कंफर्टेबल शेव टुडे, बट यस आई कैन फील लॉट ऑफ कूलनेस, हल्का सा चिलिंग इफेक्ट अभी मेरे को लग रहा है, जो कि इस ठंड में हल्का सा ओवरवेलमिंग हो जाता है फ्रॉम द शेविंग एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो डॉक्टर्स एलम, सो लेट्स कम टू द पोस्ट शेव पार्ट, एंड द सेम लेमोनेला आफ्टर शेव जेल। सो इसकी जो फ्रेग्रेंस है सोप की तरह से बिल्कुल मैच करती है, मगर ये ज्यादा स्ट्रांग लगी मेरे को। एंड इसके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इट हैज एलोवेरा, जुजोबा ऑयल, होहोबा ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, ग्लिसरीन, विटामिन ई, फ्रेग्रेंस एंड मेंथल। ओके, सो
आई थिंक लेट मी टेक, और ज्यादा नहीं लूंगा मैं, दिस मच इज इनफ। शानदार, काफी तेज फ्रेग्रेंस है इसकी और हल्का हल्का मध्यम मध्यम ठंडक का एहसास। सर्दियों में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है मेरे लिए, बट गर्मियों में आई एम गोइंग टू आई थिंक वेट फॉर दिस काइंड ऑफ शेप। बटरफ्लाई गार्डन जो है अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए काफी प्रख्यात हो चुका है, हमारी छोटी सी जो नीश वेट शेविंग कम्युनिटी है। सो थैंक यू अगेन राम्या मैडम, आपने काफी दिनों के बाद आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल के बाद जो है नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ आप इसी तरह से हमारी जो छोटी सी वेट शेविंग कम्युनिटी की सेवा आप करती रहेंगी इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ लेडी, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और हम लोग आपको इसी तरह से अपने इनपुट्स फीडबैक देते रहेंगे। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने शेविंग कम्युनिटी के भाइयों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी तरह के शेविंग सेशन में नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय हिंद।